करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो भी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। क्षेत्र पर राज परिवार का ही कब्जा रहा है और केवल अपने पद पर बने रहने के लिए उन्होंने इस पूरे संसदीय क्षेत्र को, इस सीट को अनाथों की तरह छोड़ दिया है। वो ना तो तीन कार्यकालों में, मुझे नहीं लगता कि वो तीन कार्यकालों में भी 100 दिन कभी क्षेत्र में रही होंगी। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो एक जनप्रतिनिधि की परिभाषा होती है कि आप लोगों के बीच जाकर उनके साथ रहो, उनके सुख दुख में खड़े रहो, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए आवाज़ उठाओ, तो मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा क्या बोलूँ। आप सभी अपने हैं, हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव आप लोगों से है और मेरी ये कोशिश है कि इस युवावस्था में यदि जनता मुझे चुनकर टिहरी संसदीय क्षेत्र से आगे भेजती है तो इस प्रकार के सीमावर्ती गांव, दूरस्थ गांव तक, एक एक गांव तक जाने का मेरा लक्ष्य है। और उस एक एक गांव की क्या पीड़ा है, क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर उस संसद के अंदर या इस प्रदेश के अंदर रहकर उन समस्याओं के निराकरण के लिए संघर्ष करने का हमारा लक्ष्य है। तो आज आप सभी युवा साथियों से, सभी अभिभावक गणों से मेरी ये अपेक्षा है कि जिस प्रकार से हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को देखते हुए और जिस प्रकार से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी राष्ट्रीय दलों ने दिए हैं, उनकी सक्रियता को देखते हुए या उनकी निष्क्रियता को देखते हुए आप सभी जरूर वोट करें। और जरूर जिस प्रकार की लड़ाई हमारी चल रही है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये लड़ाई लगातार 6-7 वर्षों से हम लड़ रहे हैं और ये विश्वास आपको दिलाते हैं कि इस प्रकार की लड़ाई वो आपके बच्चों के रोजगार के लिए हो या भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हो या अपने जल